बाजार फिर बिगड़े हैं, कलेक्टर भी मार खाएगा। ननकी राम ने कहा कि अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिला तो उर्गा चापा नेशनल हाईवे के लिए जमीन जो ली गई थी, ऐसे में मुआवजा दिए बगैर मकान तोड़ने का एक मामला सामने आया था, जिस पर अब ननकी राम कंवर ने कहा है कि ऐसे में अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो कलेक्टर भी मार खाएगा। और चलिए एक बार आपको वायरल वीडियो भी दिखा देते हैं जहां पर वो ये बोलते हुए नजर आए हैं। गलत करेंगे, गलत करने के बाद में भी अगर कलेक्टर उसको छोड़ेगा तो कलेक्टर भी आएगा तो मार खाएगा। और देखिए मामले में अब सियासत भी गरमा रही है, ऐसे में कांग्रेस ने क्या पलटवार किया है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसे लाठियों से पीटेंगे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए उचित नहीं है। ननकी राम जी कंवर तो इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और वास्तव में ननकी राम कंवर जी जो बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का आताताई चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार विपक्ष माने के बाद भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता अपना आपा खो चुका है। इनके पास, इनके सत्ता हाथ से जाने के बाद इनके अंदर में बौखलाहट आ गई है और स्वाभाविक है कि उसी कुनबे के ननकी राम जी हैं, तो इस बौखलाहट से कैसे बचे रहेंगे। और चलिए इस पर संवाददाता कुलेश्वर पांडे लाइव जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, देखिए ननकी राम कंवर की बात करें तो पहले भी अपने बयानों की वजह से वो सुर्खियों में रह चुके हैं, एक बार फिर से ऐसा बयान जिसकी वजह से कांग्रेस घेरती हुई नजर आ रही है, क्या एक और मौका कांग्रेस को मिल गया है? निश्चित तौर पे, क्योंकि ननकी राम जो है काफी वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, गृह मंत्री के पद में भी रहे हैं, और अगर ऐसे जनप्रतिनिधि इस तरह की बात करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ तो निश्चित तौर पे इसमें सियासत होना लाजमी है। ये मामला पूरा कोरबा का है। बीते दिनों आपको याद होगा कि ननकी राम कंवर जो है हाईवे में जो है चक्का जाम कर दिए थे, रोड में धरने में बैठे थे। उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि जो नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिकृत की गई है, ग्रामीणों को उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कलेक्टर ग्रामीणों को मुआवजा नहीं देगा तो जिस कलेक्टर जिनको छोड़ेगा तो कलेक्टर भी मार खाएगा। जो मार खाने वाला शब्द है, इसी को लेकर जो है सियासत हो रही है। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो काफी वरिष्ठ पद में रहे हैं, काफी सीनियर हैं, उनको इस तरह के भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, जो नियम रहते हैं, उस नियम के तहत मुआवजा दिया जाता है, लेकिन अगर एक जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी को धमकाए और चमकाए तो यह गलत है। तो कुल मिलाकर इस बयान पर सियासत अभी थमने वाला नहीं है, निश्चित तौर पर आगे भी सियासी बयानबाजी हमको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर तमाम जानकारी के लिए। आगे भी इस तरीके की सियासी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। मुआवजा दिए बगैर मकान तोड़ दिए गए थे, इस मामले में ननकी राम का ये बयान सामने आया था जिसके बाद अब सियासत गरमा रही है।